चैनलिंग हैंडबुक का तीसरा चौथा हिस्सा ये नाइन्थ चैप्टर का तो यहाँ से हम यहाँ पर रुके थे हम तो यहाँ से शुरू करते हैं वो बता रही है कि जब आप चैनलिंग हैंडबुक चैनलिंग जब आप लोगों के साथ करते हो और मेडिटेशन रखते हो अपने घर में तो आपको क्या करना चाहिए आपको क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में बातचीत हो रही है और यहाँ पर वो कहती है यदि आपके पास ध्यान सॉरी मैं मेडिटेशन का म्यूजिक बंद करना भूल गई ओके यदि आपके पास ध्यान के छात्र हैं जो सीख रहे हैं कि आपसे कैसे चैनल लेना है आपसे कैसे चैनल लेना है आपसे कैसे चैनल आप सीखना है तो अपने छात्रों के लिए शिक्षण सभाओं के रूप में अपनी सार्वजनिक सभाओं का उपयोग करने के प्रलोभन में न आने का प्रयास कर प्रयास करें बैठकों की सामग्री को पूरी तरह से उन संपर्कों के लिए समर्पित होने दें जिनका उद्देश्य उन लोगों को प्रेरित करना है जो चैनलिंग सुनने आए हैं शिक्षण प्रक्रिया समय लेने वाली है और सार्वजनिक बैठकों के लिए स्वीकार्य होने के लिए आपके अन्य छात्रों के समय की बहुत अधिक बर्बादी है नए चैनलों के लिए गहन शिक्षण सत्रों की तुलना में लोगों के एक बड़े समूह के सामने अपने उपकरणों का प्रयोग करना अधिक कठिन है बेहतर है कि इसके माध्यम से एक नया उपकरण न डालें जब तक कि उपकरण आपको यह न कहे कि ये मेरे लिए एक सार्वजनिक बैठक में चैनल करने का समय है If you have meditation students that are learning how to channel from you, try not to yield to the temptation to use your public meetings as teaching meetings for your students. Let the content of the meetings be devoted entirely towards contacts, which are intended to inspire those who have come to hear the channeling. Okay, the teaching process is. ये मत समझो कि आप अगर चैनलिंग कर रहे हो चैनलिंग की सभा कर रहे हो तो अपने स्टूडेंट्स को भी उसमें बुला के उनको वहाँ पर सिखाओगे नहीं वो चैनलिंग का समय आपका पूरी तरह से उस चैनलिंग के लिए आ, होना चाहिए और किसी और चीज़ में ध्यान मत बटाना टीचिंग प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग एंड मच टू वेस्टफुल ऑफ योर अदर स्टूडेंट्स टाइम टू बी एक्सेप्टेबल फॉर द पब्लिक मीटिंग्स किसी को सिखाना आसान नहीं है इसमें बहुत समय लगता है और अपने स्टूडेंट्स का को ऐसी मीटिंग्स में बुला के उनका वक्त बर्बाद मत करना इट इज़ ऑल्सो मोर डिफिकल्ट फॉर न्यू चैनल्स टू एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल दे हैव बीन टू इन द इंटेंसिव टीचिंग सेशंस अगर हाँ। आप टीचिंग सेशंस में अपने स्टूडेंट्स को चैनलिंग सिखा रहे हैं और अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो सभा uh, में आके सबके सामने चैनलिंग uh, करेंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगे इतने सारे लोगों के बीच वो आप जब वहाँ पर अपनी क्लास में उनको सिखा रहे हैं उनसे करा रहे हैं वो एक अलग चीज़ हो जाती है तो uh, ऐसा मत करना इट इज़ बेटर नॉट टू पुट अ न्यू इंस्ट्रूमेंट थ्रू अंटिल द इंस्ट्रूमेंट यू जब तक सामने वाला खुद नहीं कहता कि अब मैं पब्लिक में चैनलिंग करने के लिए रेडी हूँ क्योंकि जब सिखा रहे हैं आप तो स्टूडेंट्स एक दूसरे को जानते हैं लेकिन पब्लिक सभा में सब एक दूसरे को नहीं जानते तो वहाँ पर उनको थोड़ी शर्मिंदगी या शर्म या झिझक हो सकती है तो जब तक इंसान खुद नहीं कहे कि हाँ अब मैं पब्लिक में जाने को तैयार हूँ मुझ में वो कॉन्फिडेंस है कि अब मैं पब्लिक में चैनलिंग कर सकता हूँ तब तक उससे पब्लिक में आने के लिए मत कहना या पब्लिक में चैनलिंग करने के लिए मत कहना Uh, कुछ बातें मैं आपको बता रही हूं uh, जो आपको नहीं करनी चाहिए don't throw your weight around. यहां कुछ टिप्पणियों के साथ आपके लिए डोंट्स की सूची दी गई है अपना वजन इधर उधर ना करें का मतलब है डोंट थ्रो योर वेट अराउंड मतलब बहुत ज्यादा uh, दबाव ना डालें बहुत ज्यादा डोमिनेट ना करें और मुझे सब पता है इसलिए मैं जो कह रही हूँ वो सुनना है और तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है वो एक अकड़ होती है ना इंसान में वो वाली चीज नहीं करनी है आपने हर उस चीज पर राय विकसित की है जिसके बारे में आपने सोचा है या कम से कम आप ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं और उस बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि आप एक समूह के नेता हैं हो सकता है कि आपके छात्र आपके शब्दों पर लटके हों मतलब लटके हो नहीं मतलब के आपके छात्र आपकी हर बात हर शब्द को पकड़ के रखेंगे और उसे सीरियसली लेंगे हो सकता है कि आपको अनुभव थोड़ा लगे और बॉस्टन क्लैम चाउडर के लिए सही नुस्खा से लेकर ट्यूरिन के कफन की वैधता तक हर चीज पर अपनी राय देना शुरू करें क्योंकि आप इस समूह के नेता हैं, तो आपके जो छात्र हैं, वो आपकी हर बात को बहुत सीरियसली लेंगे और आ हो सकता है कि इस वजह से आपको थोड़ा सा एक प्राइड एक घमंड आ जाए और आप दुनिया भर की हर चीज के बारे में आ, उनको सलाह मशवरा देना शुरू कर दें कि ध्यान के स्टेट में जाने के लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए ऐसा होता है मेरे साथ भी होता है बहुत बार होता है करती हूँ मैं रियलाइज नहीं करती हूँ डोंट डू दैट द टेम्पटेशन इज ग्रेट बट दैट इज एग्जैक्टली वॉट इट इज टेम्पटेशन ये एक प्रलोभन है और बहुत ही आ, मजबूत प्रलोभन है लेकिन ये नहीं करना चाहिए uh, एक चैनल के हैसियत से आप अपने लिए ठीक हो आ, एक चैनल के तौर पर आप खुद के आदर्श हैं आप अपने आप को ट्यून करें एक ऐसा राज्य जिसे आप शायद एक निजी व्यक्ति के रूप में आनंद नहीं लेते हैं राज्य नहीं एक ऐसा राज्य नहीं एक ऐसी स्थिति आ, जो आपको शायद अकेले में पसंद नहीं आएगी और जो आप जिस स्टेट में खुद को अट्यून कर रहे हैं वो शायद अम अकेले में या खुद अपने लिए शायद वो स्थिति आपको पसंद ना आए जब आप मेडिटेशन से बाहर आए और चैनलिंग ना कर रहे हों हम आम दुनिया के आ, हर एक इंसान की तरह ही हैं कोई ज्यादा अंतर नहीं है आ, दुनिया के से जितना बोझिल हो जाता हूँ नहीं, नहीं मतलब हर एक, हर एक उल्टे सीधे आम बेवकूफ आम इंसान की तरह ही हम भी वैसे ही हैं आ, जब हम मेडिटेशन में जाते हैं चैनलिंग करते हैं तो वो अलग बात है पर वरना हम सभी आ, आप भी बिल्कुल आम इंसान हो हमारी राय किसी और की राय से ज्यादा मायने नहीं रखती है और किसी और के पास चाउडर के लिए बेहतर नुस्खा हो सकता है मजाक कर रही है वो अपने प्रभाव का दुरुपयोग ना करें ये मत समझो ये मत समझो कि लोग कुछ जानते हैं कुछ जानते हैं आ, ये मत समझो कि लोग सभी कुछ जानते हैं या कुछ भी जानते हैं हमने बरसों पहले एक बहुत बड़ी जनसभा में बत्तियां बुझा दी और अस्सी चाहने वाले लोगों की मासल चुप्पी में बस गए बाप रे अस्सी लोगों की खामोशी में बाप बाप रे बाप। आ, मतलब अस्सी लोगों के बीच हम लोग काफी देर के लिए वो मेडिटेशन कर रहे होंगे या खामोश बैठे होंगे घने मखमली अंधेरे में एक अस्थाई मर्दाना आवाज आई जो पूछ रही थी क्या होता है जब बच्चियां बत्ती बत्तियां बुझ जाती हैं हमने इस नए छात्र को ये नहीं बताया था कि क्या उम्मीद की जाए अपने छात्रों से उनकी पहली बैठक से पहले इस बारे में बात करें कि आपका समूह कैसे ध्यान करता है चैनलिंग कैसे करता है कंडीशनिंग uh, कैसे लगता है चैनलिंग uh, कैसा महसूस होता है कंडीशनिंग जो चैनलिंग की होती है मतलब कि आपको उसके हिसाब से बनाना उसका एहसास कैसे होता है ध्यान के लिए क्या सहायक है मतलब ध्यान लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वगैरह जो निश्चित करें कि आपने छात्र के साथ उन बुनियादी कारणों का पता लगाया है जो उसे बैठक में लाए हैं आत्मविश्वास की प्रतीक्षा न करें साहसी बने और कहें आज रात तुम यहां क्या लाए हो इस प्रश्न का उत्तर देने वाला वाक्य या पैराग्राफ आपको उस जानकारी का पालन करने में सक्षम करेगा जिसकी उस विशेष छात्र को आपकी विशेष बैठक के लिए उन्मुखीकरण की आवश्यकता है कभी भी दो बैठकों बैठकें एक जैसी नहीं होती हैं। कोई भी दो छात्र एक जैसे नहीं होते हैं हाँ बी श्योर दैट यू एक्सप्लोर your meeting मतलब वो आपकी सभा में क्यों आया है इस बारे में उससे खुलकर बात करें और ये मत उम्मीद करें कि वो आपको अपनी अंदरूनी सारी बातें बता देगा और आ, हिम्मत करके उससे पूछें कि आप यहाँ आज किस लिए आए हो तो उसके जवाब में वो जो आपको बताएगा वो एक वाक्य हो सकता है एक पैराग्राफ हो सकता है हो सकता है काफी देर तक बोलता रहे मेरा कहने का मतलब आ, और इससे आपको पता चलेगा कि वो वहां पर असल में क्या करने आया है याद रखें कि कोई भी दो सभाएं या दो छात्र एक जैसे नहीं होते आ, ये जो मेडिटेशन के लिए गोलदारा बना के सब बैठते हैं वो ऐसे मामूली चीज नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है बैठ गए हाँ तो कुछ नहीं होता थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था ना जो दारा बना के बैठते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसे छोड़कर आपको नहीं जाना है और सबको बोल दो कि इस एक बार इस गोलदारे में बैठ गए तो आप यहां से उठ नहीं सकते अः जो जब लोग गोलदारे में बैठते हैं और बेचैन रहते हैं या उसे तोड़ के उठ जाते हैं तो उसकी वजह से चैनलिंग सही तरीके से नहीं होती क्योंकि ग्रुप की जो एनर्जी है वो बिखर जाती है मुझे याद है जब मेरे घर में यहाँ पर हम लोगों ने सबने चैनलिंग की थी तो आ, वो सारे म्यूजिक जो थे वो मुझे लैपटॉप के ऊपर लगाने पड़े साथ में यूट्यूब लाइव भी चल रहा था और मैं वो भी हैंडल कर रही थी और तो वो मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि ये सही नहीं है इससे चैनलिंग सही से होगी नहीं पर अब कोई और करने वाला था नहीं तो करना पड़ा द एनर्जी कैन बी रा लो एंड स्टिल बी एक्सलेंट फॉर चैनलिंग इफ इट इज थ्रउ दीटिंग जो ऊर्जा है अगर इस तरह से होता है तो उस ग्रुप की ऊर्जा बहुत निचले स्तर पर रहेगी चैनलिंग टू हैपन बिकॉज एनर्जी टू अनरिलायबल एनर्जी कैन बी रादर लो एंड स्टिल बी एक्सलेंट इफ इट इज स्टेबल थ्रू आउट अगर ऊर्जा स्थिर रहती है पूरे मीटिंग में और निचले स्तर पर भी है ना तो भी चैनलिंग अच्छी से हो सकती है लेकिन अगर वो उसमें बिखरी हुई है या बहुत हलचल है स्थिरता नहीं है तो फिर चैनलिंग हो नहीं पाएगी मीटिंग के दौरान आपका दरवाजा बंद ना करना क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग देर से आए तो आपने दरवाजा बंद कर दिया तो उठ के खोलना पड़ेगा तो इसलिए दरवाजा लॉक नहीं करना चाहिए ताकि वो लोग आराम से आके वहां पर बैठ सकें मीटिंग uh, करते वक्त घंटे बजना दरवाजा खटखटाना ये आपकी मीटिंग को खराब कर देगा uh, टेलीफोन्स भी ऑफ होने चाहिए उस जमाने में तो लैंडलाइन होती थी तो वायर निकाल देते थे तो अब तो मोबाइल फोन्स हैं हर जगह तो टेलीफोन्स जो है वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए उस दौरान उन्हें साइड में रख देना चाहिए साइलेंट पे रख देना चाहिए या बेस्ट स्विच ऑफ कर देना चाहिए और दूर रखना चाहिए कभी भी चैनलिंग करते वक्त आपका टेलीफोन आपके पास नहीं होना चाहिए दूर होना चाहिए क्योंकि उसकी रेडिएशन उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है आ, वो आपके मेडिटेशन को डिस्टर्ब करती है

ऐसी कोई मेडिटेशन मत करना जिसमें आप बोल रहे हो आ, सबको शांत करने के लिए जब तक के आप नहीं हो कि हर छात्र जो है आ, वो ट्रांस में नहीं चला जाएगा दैट टू सेफली इनफ टू प्रिटेक्ट दैट नो वन हैज स्लाइटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग इनटू ट्रांस आपके बोलने की वजह से कोई ट्रांस में नहीं जाना चाहिए मेरे साथ ही कभी uh, एक आद बार हुआ है और The one spontaneously and there is nothing that you can do. एक बार अचानक ही हो गया था और इस बारे में आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो ट्रांस में चले गए तो वो चैनलिंग कैसे करेंगे ऐसा मुझे लगता है अभी आगे देखते हैं कि ये क्या कहती है और आ, एक बार ऐसा हुआ था तो वो उसमें उस बारे में कुछ कर नहीं पाया और दूसरी बार तो खैर मेरी गलती थी आ, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे छात्रों में से एक छात्र उसका कंसंट्रेशन और फोकस लेवल इतना ज्यादा गहरा है कि वो तुरंत ही हिप्नोटाइज और ट्रांस टेट में चला गया मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि लोगों से कह रही थी कि आराम करो मतलब रिलैक्स हो जाओ अपने सर को अपनी गर्दन को वगैरह पैरों तक धीरे धीरे मैं सबको सिर्फ रिलैक्स करने को कह रही थी और उसमें वो ट्रांस में चला गया आ, बाकी सब लोगों ने अच्छे से मेडिटेशन की बट ये जो था वो तो बहुत गहरे ट्रांस में चला गया था तो उसके लिए तो काफी आ, थोड़ा सा दर्दनाक सा रहा एक्सक्रूशिएटिंग मतलब बहुत हेवी रहा आ, भारी आ, मतलब हेवी मतलब वजन वाला नहीं लेकिन बहुत गहरा This excellent channel has not used his his gift since the time he had so much trouble getting back into his body as a result of my relaxation suggestions. बाहर निकलते हैं और चैनल जिसको भी आप कर रहे हैं वो आपके शरीर के अंदर जाता है तो कहती है कि उस दिन के बाद जब वो चैनलिंग सेशन हुआ उसे अपने शरीर में वापस आने में इतनी दिक्कत हुई और इतना दर्द हुआ कि उसके बाद उसने चैनलिंग ही नहीं की वो बहुत अच्छा चैनल था पर उस दिन के अनुभव के बाद उसने चैनलिंग किया ही नहीं छोड़ ही दिया और इसी तरह से ये आपके लिए बेहतर होगा अलॉन्नी डज नॉट आफ्टर मेडिटेशन बेहतर होगा कि अगर आप देखते हो कि मेडिटेशन करने के बाद अगर किसी में कोई हलचल नहीं है कोई एकदम बेहोशी जैसा ही पड़ा है तो एक एक का नाम लेके उन्हें पुकारना चाहिए और अगर कोई सर्कल में बिल्कुल स्थिर एकदम सीधा बैठा हुआ है तो बत्तियां ऑफ रखो और ध्यान रहे कि ये इंसान को जब आप उसका नाम लेके पुकार रहे हैं तो वो हाँ हूं कुछ बोल रहा है या सर हिला रहा है या कुछ जवाब दे रहा है इससे पहले कि आप बत्तियों को ऑन करें इट इज रियली पेनफुल टू समन इन अ ट्रांस एंड आउट ऑफ द बॉडी टू कम बैक एंड टू अवर बॉडी लाइट ऑन वेन द टर्न ऑन लाइट ट्रिगर्स द द रिफ्लेक्स दैट पुल्स कॉन्शियसनेस बैक इन द बॉडी क्योंकि अगर कोई बॉडी से बाहर है और आपने बत्ती चालू कर दी है तो जो बाहर है अपने शरीर के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है और दर्दनाक हो जाता है कि बत्तियां क्योंकि जब बत्ती जैसे ही ऑन होती है तो आपके शारीरिक रिफ्लेक्सेस जो रिएक्शन होता है तो वो जो है वो आपकी चेतना को आपके शरीर में दोबारा बुलाती है और उससे पहले आपके अंदर जो है एंटिटी उसको बाहर निकलना होता है तो उस समय पर इतना ही तुरंत वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए जब तक कंफर्म नहीं हो जाए कि सब लोग जो हैं वो उनका नाम ले तो वो ट्रांस में नहीं है वो अपने शरीर में वापस आ चुके हैं बत्ती ऑन नहीं करना तो इसका मतलब यह है कि चैनलिंग जितनी होती है वो बत्तियां बंद करके होती है ये पा ने भी कहा था कि आर्टिफिशियल लाइट जो है वो सारी बंद होनी चाहिए रात का अंधेरा होना चाहिए डोन्ट एक्सपेक्टर स्टूडेंट्स टू अटेंड मीटिंग्स रेगुलरली इन पर अपने छात्रों से ये अपेक्षा ना करें कि वे नियमित रूप से बैठकों में भाग लें आ, कोई एक महीन, कुछ एक महीने के लिए आएगा कुछ एक साल के लिए आएगा, कुछ आ, जो सिर्फ अपनी उत्सुकता की वजह से आए हैं जानने के लिए उत्सुक मतलब के अः क्यूरियस हैं जो जानना चाहते हैं सिर्फ एक अनुभव करना चाहते हैं वो तो पहली मीटिंग के बाद दोबारा आएंगे ही नहीं और कुछ रह जाएंगे जो आपके काम में आपका साथ देने का सहयोग देने के लिए बोलेंगे और कुछ जो मतलब वो आपके कोलीग्स या एसोसिएट्स बनना चाहेंगे कि ठीक है मैं हेल्प करता हूँ या करती हूँ मैं भी जल्दी आ जाऊंगा मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा अच्छा ऐसा करते हैं वैसा करते हैं मुझे बताओ क्या करना है तो ऐसे भी कुछ हो सकते हैं Uh, know that a student will have an internal rhythm and needs to come and go in freedom. और ये ध्यान रखें कि एक छात्र जो है, उसे अंदरूनी एक लै होनी चाहिए उसके अंदर और ताकि वो जब चाहे आए और जब चाहे वो जाए। uh, Avoid in every possible way making fee people feel guilty about missing a meeting and don't assume student style because they miss a meditation. logon ko गिल्ट फील नहीं कराना तुम नहीं आए पिछली बार अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ अरे तुमने मिस कर दिया मतलब ऐसे ले तोड़नी नहीं चाहिए आ जाना चाहिए हर हफ्ते इस तरह की बातें नहीं करना और अगर कोई एक दिन नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार है हो सकता है वो नहीं आना चाहो

अभी पहली मेडिटेशन के बाद कोई आया नहीं ये किताब पढ़ने के बाद करनी चाहिए थी मेडिटेशन डोंट गेट अपसेट इफ अ बैच ऑफ न्यू लव Messily with each other. The experience of opening the heart chakra to unconditional love is powerful. And if it happens to several people at once, they may well believe that the whole world is full of wonderful, adorable people, especially the other students, so similarly infused. Counsel caution, keep and honor any confidences and trust that time. will sort out the love words into metaphysically and socially appropriate pairings. Plus, leftovers. Um, सिंगल पीपल कोई असर होना नहीं चाहिए आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि अगर लोग आते हैं आपकी मीटिंग्स में और वहां पर कुछ लोगों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है क्योंकि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं और वहां पर आपका हट चक्र खुलता है और इतना आ, बिना शर्त का प्यार का एहसास जब आप करते हैं तो धीरे और समय एक दूसरे के साथ बताते हैं, बिताते हैं तो धीरे धीरे ऐसा हो सकता है और बहुत सारे लोगों के हार्ट चक्र खुलने के बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो सकता है ऐसे समय कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आपसे आके कुछ कहता है पहले तो उन्हें यह मत कहो कि नहीं तुम तो ऐसे कैसे कर सकते हो दूसरा अगर आपसे आके कोई कहता है तो आ, उस बात को अपने रखो और वक्त के साथ अगर कोई गलत जोड़े भी एक दूसरे का जुड़ गए हैं ना तो वो अपने आप सही लय में पड़ जाएंगे मतलब तो सही रास्ते पर पड़ जाएंगे बाद में और अगर कोई ऐसा रह गया है जिसे कोई नहीं मिला या कोई वो चाहता नहीं था जो सिंगल्स रह गए हैं जिनका किसी से कुछ ऐसा जुड़ाव नहीं हुआ तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आ, हो सकता है कि उन्हें थोड़ा वक्त लगे ब्रह्मांड का प्यार अपनाने के बाद वो एक गहरे रिश्ते के लिए तैयार हो रहे हैं और इस मेडिटेशन वगैरह इन सब चीजों के बाद वो पूरी तरह से गहरे सच्चे रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे ये मानकर महत मत चलना कि आपको सब कुछ याद रहेगा जरूरी नहीं है uh, private taboo based on my ये अभी इसको हिंदी में कैसे बोलू मैं ये मत सोचो कि तुम्हें कुछ याद रहेगा मेरी स्पेसनेस मतलब मैं जो अपने लिए वक्त चाहती हूँ जगह चाहती हूँ अकेले में रहना पसंद करती हूँ के आधार पर ये आ, मेरी निजी वर्जना हो सकती है मैं अनुपस्थित प्रोफेसरों को स्मार्ट बनाती हूं मतलब मैं उनको ऐसे जताती हूं कि वो बहुत स्मार्ट है मतलब के ऐसे लोगों के बारे में बात करती हूं जो वहां पर है ही नहीं आ, या जिन जो भुलक्कड़ है तो उनकी बहुत बातें करती हूँ और हाँ उसने ये किया वो किया बहुत स्मार्ट था ऐसा वैसा लेकिन हावेवर इट मे वेल बी सम डिग्री वी ऑल हैव पोल्टी मेमोरी लेकिन हम सबकी याददाश्त जो है कहीं ना कहीं कभी कभी धोखा दे भी देती है हालांकि ये अच्छी तरह से हो सकता है कि कुछ हद तक हम सभी की याददाश्त खराब हो जैसे कि ही आप ऐसा करना याद कर रखें नए विद्यार्थियों के पते और फोन नंबर प्राप्त करें हम एक अतिथि पुस्तक का उपयोग करते हैं मतलब एक आ, एक डायरी बनाते हैं जिसके अंदर जितने लोग आते हैं उन सब के एड्रेस फोन फोन नंबर नाम लिख लेते हैं उस समय तो तो मोबाइल नहीं होते थे तो काम आता था कोई कारण हो सकता है कि आप किसी को फोन पर कॉल करना चाहते हैं अपने सदस्यों की पूरी सूची के बिना ऐसा करने में आपके लिए एक कीमती कठिन समय होगा आपने अपने सभी चैनलिंग या अपने स्पीकर की वार्ता को रिकॉर्ड करने का प्रयास करें यदि आपके पास इस प्रयास में जो किया है उसका एक संग्रह रखने के बारे में कोई विचार है या आदि आप अपनी सामग्री प्रकाशित करने पर विचार कर रहे हैं मुझे वर्षों पहले पता चला था कि आपके लिए ये कितना भी स्पष्ट क्यों ना हो कि यह विशेष सत्र रिकॉर्ड करने लायक नहीं है ये वो सत्र होगा जिसे आपने रिकॉर्ड नहीं किया था कि आप चाहते हैं कि आपने रिकॉर्ड किया कोई कहने की कोशिश कर रही है कि मेरा यह अनुभव रहा बहुत सालों से कि जब भी मैं सोचती हूँ कि हाँ ये सवाल तो इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है ये बैठा इसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होने के बाद आपको लगता है हाय रब्बा इससे अच्छा तो मैं रिकॉर्ड ही कर लेती ये तो बहुत जरूरी था इसलिए हमेशा अपने सारे सवाल चैनलिंग सेशन सारी चीजें अच्छे से रिकॉर्ड करनी चाहिए चाहे वो लिखित करो लिखित तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन ऑडियो पे रिकॉर्ड करो या वीडियो पे करो आजकल तो हो जाता है ये मानकर कि आप अपने घर में बैठ के कर रहे हैं और आपकी लाइब्रेरी ब्राउजिंग के लिए खुली है उन सभी चीजों को लिख लें जो आपसे उधार ली गई हैं। ये याद रखना लाइब्रेरी तो किताबें। याद रखना लगभग है कि आपने किसे किताबें या अन्य सामग्री उधार दी है या आपने उन्हें कभी कब कभ उधार दी है यदि किसी पुस्तक को लेते समय ये सब लग, लिख दिया जाता है तो उन खंडों को पुनः प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है वो हो सकता है वो आपके लिए किताब जरूरी हो तभी तो आपने अपनी लाइब्रेरी में रखी है इकट्ठा करने के लिए आपने कुछ संसाधन खर्च किए हैं मेरी राय में बैठकों में भी कुछ कार्य होते हैं लंबा है काफी लंबा है ठीक है तो फिर इसको बाद में करते हैं आधा घंटा हो चुका है दोबारा नई रिकॉर्डिंग बनाते थैंक यू सो मच